हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले जस 3,20,000 के शेयर्स थे जो अलॉट करने थे, 10 रुपए का एक, 5 रुपए का प्रीमियम। पैसे कैसे आने थे? दैट वॉज 3, 5, तो 8 और 7, 15। ठीक है, इसके अंदर 2 प्लस 1 का प्रीमियम, इसमें 5 5 रुपए हैं, तो 3 प्लस 2 का प्रीमियम, और ये 3 रुपए यहाँ आ गए तो 5 प्लस 2 का प्रीमियम, राइट। तो अब ये टोटल मेरा बाइफिकेशन हो गया। एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 4 लाख की, जिसमें से 40,000 को कुछ नहीं दिया, तो बचे कितने बेटा? 3,60,000। 3,60,000 को हमने क्या दे दिया? 3,20,000 शेयर्स। उसके बाद कहता है जन होल्डिंग, एक बंदा जीवन था जिसके पास 800 शेयर्स थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली। आफ्टरवर्ड उसके बाद फाइनल कॉल की गई, और गणेश एक बंदा था हु हैज अप्लाइड, यहाँ अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं 2,700, वो फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी, हिज शेयर वर फॉरफिट, फॉरफिटेड शेयर 1,500 री इशू करे गए 8 रुपए पर। द री इशूड शेयर इंक्लूड ऑल शेयर्स ऑफ जीवन, तो जीवन के सारे शेयर्स थे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक जिस्ट बन गया। अब क्वेश्चन को हम हटा देंगे और जिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपना काम आगे कंटिन्यू। चलिए जी, जिस्ट के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टेबल बनेगा। बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, इस जस्ट को शिफ्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर अपना टेबल बनाते हैं। कैटेगरी अप्लाइड, अलॉटेड, रिसीव्ड, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और बैंक। पहला आया बेटा 40,000 को दिया नील, बचे 3,60,000, 4 लाख अप्लाइड थे उनको दे दिया 2 लाख, 3,20,000, तो ये 4 लाख हो गए, इंश्योर कीजिए ठीक है, और 3,20,000। ठीक है, पैसा कैसे आना था? 3, 3, 5 और 7, तो ये आ गया 1,20,000, 0,00, 1,20,000 बाहर चला गया। फिर आया 3,60,000, तो दिस इज 10,80,000। ठीक है, और 3,20,000, 9,60,000, डिफरेंसेस 40,000, तो 1,20,000 हमारे पास कहाँ चला गया? अनलॉटमेंट पे। टोटल कर लेते हैं, यहाँ टोटल की जरूरत पड़ेगी, सो दिस इज 12 लाख, 9,60,000, 1,20,000, 0 और 1,20,000। ठीक है, सबसे पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन कितने का है बेटा? 12 लाख का। इस 12 लाख को ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर भी क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है, एप्लीकेशन में भी। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक, चार चीजें आएंगी। देखिए कैसे, 1,20,000, 12 लाख। अब जो हमने 9,60,000 लिया है, दैट इज 2 प्लस 1, राइट। तो हमें इसे 2 प्लस 1 में बाइफिकेट करना होगा। कैसे करेंगे? 3,20,000 इंटू में 2 शेयर कैपिटल में, 3,20,000 इंटू में 1 सिक्योरिटी प्रीमियम में।
6,40,000, 3,20,000 अलॉटमेंट का आपको पता ही है और बैंक का भी साथ साथ पता है, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड एंट्री की, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट टू, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो कितना था? 5, 3,20,000 इंटू में 5, 16,00,000 इंटू में 3, 9,60,000 इंटू में 2, 4,00,000, 6,40,000। फिर आती है फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, राइट। तो 16,00,000, 16,00,000 में से ऑलरेडी 1,20,000 मिल चुके हैं, माइनस कर दिया तो 148 यहाँ पर आएगा, 14,80,000। अब बात करेंगे कॉलन अरियर की कैलकुलेशन की। तो बेटा 800 शेयर्स थे, उन्होंने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया, एक्सेस मनी है, हाँ है, तो ये 1,20,000 वॉज फॉर 3,20,000, तो 800 के लिए कितना, ठीक है। तो 1,20,000 वॉज फॉर 3,20,000, तो हाउ मच फॉर 800, तो 300 रुपीज आ गए एक्सेस। हमने मंगवाया कितना था? 800 इंटू में 5, 4,000, नहीं कितना आया? 300, 3,700 ये हमारे पास आ गया, ओ सॉरी कॉलिन एरियर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज क्या ध्यान रखनी है, यहाँ ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ मिला, तो कैलकुलेशन यहीं से कर लेते हैं। इसमें से 3 प्लस 2 का था, यानी 2,400 प्लस 1,600, तो देखो 300 रुपये तो एक्स्ट्रा थे, तो सारे यहीं आ गए, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम हमें नहीं मिला। इसकी कैलकुलेशन, इसका जो यूज है वो बाद का है, अभी हम बात कर रहे हैं 3,700 हमारा आ गया कॉलन अरियर। तो 1,476,300। छवि आपका इतनी जल्दी कैसे हो गया बेटा, पॉसिबल ही नहीं है इतनी जल्दी। शेयर फर्स्ट, अब यहां पर फोर फीचर की एंट्री आई गई, ओके बेटा चेक करते जाइए। फिर शेयर फोर फीचर की एंट्री है, क्योंकि हमारा अलॉटमेंट के बाद ही फोर फीचर है। तो शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर टू कॉलन अरियर टू शेयर फोर फीचर, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, 800 शेयर्स थे, कितना रुपया भी मंगवाया, सिर्फ कॉल की बात कर रही हूँ बेटा। 800 शेयर में 2 + 3 है ना, 2 + 3 कितना है बेटा? 5 रुपये मंगवाया, ठीक है। तो 800 इंटू में 5, इसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम कितना नहीं आया? ये 1 रुपया तो आ गया होगा, बट ये 2 रुपये नहीं आया है ना, हमने चेक कर लिया था। तो 800 इंटू में 2 नहीं आया। कॉलिन अरियर 37 हमने कैलकुलेट किया ही था, बाकी का शेयर फोरफीचर, तो 4,000, 1,600, तो 5,600 में से माइनस कर दिया 3,700, ठीक है। अभी हम सिक्स्थ एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो देखिए 3,20,000 में से हमने 800 शेयर्स कर दिए फोर फीट, तो बाकी का ही तो कॉल करेंगे ना, यानी 3,19,200 का कॉल जाएगा इंटू में 7, मतलब 5 + 2 इंटू में 7, 22,34,400 इंटू में 5, 1,596,000 इंटू में 2, 6,384,000, ठीक है जी, हाँ राइट। अब यहाँ पर भी कॉलन अरियर है, सेवेंथ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो
2234400 कितना कॉलन अरियर है। आइए बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें दे रखे हैं अप्लाइड, हमें काम चाहिए अलॉटेड से। तो अलॉटेड कैसे निकालेंगे, अलॉटेड चाहिए तो टोटल उस कैटेगरी का अलॉटमेंट है वो ऊपर आएगा, 3,20,000 अपॉन में 3,60,000 इंटू में 2700। ठीक है, अलॉटमेंट अगर चाहिए तो अलॉटमेंट ऊपर, तो 3,20,000 अपॉन में 3,60,000 इंटू में 2700, तो दिस इज 2400 हमने उसे अलॉट किया। अब फर्स्ट कॉल के अंदर कुछ भी कॉलन अरियर नहीं है, नहीं, तो डायरेक्ट 2700 इंटू में 7 हमारा, 2400 इंटू में 7 हमारा कॉलन अरियर आ जाएगा, 2400 इंटू में 7 यानी 16,000 माइनस किया 2344002217600। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे कॉलन अरियर तक की एंट्री। बच्चों कितना कितना हो गया, मैं तो अभी फर्स्ट एंट्री मतलब कॉलन अरियर मेरा खत्म हुआ, अब शेयर फोर फीचर की एंट्री कर रही हूँ। चलिए आपका यहाँ तक सब ठीक था, बट आई रियली डाउट बेटा इतनी जल्दी क्वेश्चन हो नहीं सकता। चलिए फोर फीचर की एंट्री करेंगे, एक फोर फीचर हम ऑलरेडी कर आ चुके हैं, अब बात करेंगे सेकंड फोर फीचर की, क्योंकि हमने सेकंड वाले भी शेयर कैपिटल उनको फोरफीट कर दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर टू कॉलन अरियर टू शेयर फोर फीचर। ठीक है, तो 2400 इंटू में 10 24,000, इसमें से बेटा ये मिल गया ये मिल गया, सिर्फ दो रुपए नहीं मिला ना, तो सिर्फ 2 रुपए का प्रीमियम हम डेबिट करेंगे, तो 24,4800। कॉलन अरियर कितना है बेटा, अभी कैलकुलेट किया उसका, सिर्फ फर्स्ट कॉल के अंदर कॉलन अरियर है 16,800, बाकी का हमारा शेयर फोर फीचर। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसमें से री इशू कर दिए 1500 शेयर 8 रुपए पर, राइट, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो 1500 इंटू में 8 12,000, तो 3,000 मेरा शेयर फॉर फ्यूचर में। अब हमें क्या सीखना है, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, तो पहले एंट्री पास कर दी शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, अब इसका अमाउंट कैसे आएगा दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है जी, आइए अब हमें जो काम करना है दैट इज कैपिटल रिजर्व की एंट्री। पहले बेटा मैं आपको उसका लॉजिक बता देती हूँ, फिर बताऊंगी कि सॉल्यूशन कैसे आएगा। बेटा कैपिटल रिजर्व जैसे कि इसका नाम है, ये एक ऐसा रिजर्व है, एक ऐसा प्रॉफिट है जो कभी कभार होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर किस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं बेटा, हमें शेयर फॉरफीट पर ध्यान से सुनिएगा, हमने जब किसी के शेयर फॉरफीट करे तो कुछ पैसा जो उसने ऑलरेडी मुझे दे रखा था हमें कंपनी ने वो भी अपने पास रख लिया। ठीक है, अब उसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है वो कंपनी को कभी कभार आ रहा है, तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट में से कैपिटल प्रॉफिट उसको हम काउंट करेंगे और वो हम कहाँ भेज देंगे, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन ध्यान रखिए होगा क्या, देखिए ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास 1000 शेयर्स थे, ठीक है, जिसमें से 10 रुपए का एक शेयर था, जिसमें से 4 रुपए मिल गए थे, 6 रुपए नहीं मिले थे। ठीक है, मैंने एंट्री क्या पास करी होगी बेटा, मैंने फोर फीचर की एंट्री पास करी होगी, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉलन अरियर, यही किया होगा। शेयर फोर फीचर में 10,000 आया होगा, कॉलन अरियर के अंदर 6,000 और शेयर फोर फीचर 4,000। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये शेयर फोर फीचर क्या है, दिस इज द कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, मैंने इसमें से पूरे के पूरे शेयर्स, हजार के हजार शेयर री इशू कर दिए 8 रुपए पर। ठीक है, तो मुझे एंट्री क्या आई, बैंक अकाउंट डेबिट
शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 1000 इंटू में 8, 8000, कैपिटल वो 10,000 और 2000 मेरे शेयर फॉर फ्यूचर में चले गए। देखिए एनालाइज करते हैं इसको कि इसका हुआ क्या। बेटा मेरे पास एक्स्ट्रा जो पैसा आया था कैपिटल प्रॉफिट के नाम पर जो शेयर फॉर फ्यूचर में हमने क्रेडिट किया वो था 4000, उसमें से मैंने कुछ पैसा यूज कर लिया 2000। ये 2000 यूज क्यों किया? क्योंकि जब मैंने ये शेयर फॉरफिटेड शेयर जब मैंने री इशू करे तो वो मेरे डिस्काउंट पर हो गए, ठीक है। वहां से पैसा कमाया तो मुझे लॉस हो रहा था, मैंने उस लॉस को इस कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर मैं शेयर फॉरफिटर का अकाउंट बनाऊं तो मेरे पास 4000 रुपये आए थे प्रॉफिट के, जिसमें से 2000 रुपये मेरे चले गए, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या सारे के सारे शेयर इशू हो गए? हाँ हो गए। क्या और शेयर इसमें से इशू होने हैं? नहीं। तो जो 2000 रुपये मेरे बच गए ना बेटा, वो मेरा क्या है? कैपिटल रिजर्व। तो मैं इस 2000 रुपये को कहाँ भेज दूंगी? कैपिटल रिजर्व में। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने शेयर फॉर फ्यूचर का क्रेडिट अमाउंट देखा, उसमें से माइनस किया शेयर फॉर फ्यूचर का जो मैंने यूज कर लिया यानी डेबिट अमाउंट, बाकी का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में मैंने भेज दिया। यानी यस 4000, 2000 और बचा हुआ 2000 भेज दिया, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या आ गई बेटा? शेयर फॉर फ्यूचर। अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे इसके अंदर, अभी थोड़ा सा सीखना और है, ठीक है। मैंने 2000 भेज दिया। क्वेश्चन आता है, दीदी अगर ये इतना इजी था कि क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना है तो आपने हमें ये पहले क्यों नहीं सिखाया, ये 4 दिन पहले से एंट्री कर लेते? नहीं बेटा, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट भी आता है। ये क्वेश्चन के अंदर क्यों 2000 गया? क्योंकि हमने सारे के सारे शेयर रीइशू कर दिए जितने भी फोरफिट किए थे। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके मैं यहाँ पर सिर्फ 800 शेयर रीइशू करती हूँ, इसका मतलब मेरे यहाँ पर शेयर कितने रीइशू हुए बेटा? सिर्फ 800 इंटू में 8, 6400, 800 इंटू में 10, 8000 और 800 इंटू में 2, 1600 मेरे शेयर फॉरफिटर में। अब क्या करूँगी, क्या मैं ये 4000, प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्या मैं 4000 रोज दी जो पैसा रिसीव हुआ है, 4000 यूज कितना किया 1600, क्या मैं बाकी का सारा दैट इज 2400 कैपिटल रिजर्व में भेज दूंगी? नहीं बेटा। क्यों नहीं भेजूंगी? क्योंकि अभी जो मैंने 1000 शेयर फॉरफीट करे थे उसमें से सिर्फ 800 रीइशू हुए हैं, 200 अभी रहते हैं। क्या पता वो 200 पार पर इशू हो जाए, क्या पता प्रीमियम पर इशू हो जाए, क्या पता वो डिस्काउंट पर इशू हो जाए। तो जब तक वो 200 शेयर्स का हिसाब किताब नहीं हो जाता मैं उनसे रिलेटेड शेयर फॉरफिटर नहीं भेजूंगी। तो सिर्फ कितने से भेजूंगी? जो मैंने रीइशू कर दिया यानी जो मैंने क्रेडिट किया था। ध्यान से देखिए, जो मेरा शेयर फॉरफिटर क्रेडिट वाला था वो पूरे 1000 शेयर्स के लिए था ना 1000 शेयर्स के लिए। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी, इनको बनाऊंगी 800 शेयर के लिए। तो अगेन मैं प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करूंगी। हाँ जी, तो बेटा देखिए 4000 वॉज फॉर 1000, तो 800 के लिए कितना 3200, राइट। उसमें से मैंने यूज कितना कर लिया उन 800 शेयर्स के लिए 1600। तो बाकी का 1600 मैंने क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में भेजना है। अब वो कैसे आप करते हैं, कैसे कैलकुलेशन आप करते हैं, दिमाग कितना लगाते हैं, वो आपके ऊपर है। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर अगर एक बंदा कॉलिन एरर करता है, दो बंदा करते हैं, तीन बंदे करते हैं, तो सबकी कैलकुलेशंस बढ़ती चली जाती हैं। बट कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जितने शेयर रीइशू हुए हैं उतने का ही प्रोपोर्शनेट लेकर आप बैलेंस यूज करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जो आपने रीइशू के टाइम पर बैलेंस यूज किया है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इतना समझ आ गया तो 100% लिख दीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या हुआ। वेरी गुड, अगर आपको समझ आ गया तो आइए बेटा हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं।
मेरे क्वेश्चन में क्या था, मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ दोबारा से, अगर आप ध्यान से देखें मेरे क्वेश्चन के अंदर री इशू पे सिर्फ तीन एंट्रीज काम आनी है, एक फोर्थ फीचर की, एक री इशू की, ठीक है। कैपिटल रिजर्व तो आप निकाल ही रहे हैं, तो सिर्फ दो एंट्रीज के अंदर आपका पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन रहेगी। उसने कहा जितने हमने शेयर फोरफीट करे थे, कितने करे थे बेटा, 2400 तो इसके थे और 800 इसके थे, है ना। लिख लेते हैं एक बार, 800 वॉज फॉर जीवन एंड गणेश का 2400। आराम से कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर समझ आ जाएगा तो फिर आप फ्रीक्वेंटली कर लेंगे। और जो क्वेश्चन मैंने इस वक्त उठाया है ये मैक्सिमम मुश्किल है, ठीक है, तो इस आप आराम से देखकर चलेगा क्वेश्चन कैसे होगा। 800 प्लस 2400 टोटल थे, ठीक है, उसमें से मैंने री इशू कितने करे बेटा, 1500 किए, ठीक। साथ साथ उसने क्या कहा, द री इशूड शेयर इंक्लूड ऑल शेयर ऑफ द जीवन, यानी जीवन के तो 800 हो गए तो बाकी गणेश के हो गए 700, ठीक है। अब जीवन के तो सारे हो गए तो क्या उसके प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत है, नहीं, उसके हम डायरेक्ट ले लेंगे, लेकिन गणेश के तो प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत है, हाँ बिल्कुल है। तो आइए पहले जीवन का देख लेते हैं बेटा। जीवन यानी 800 वाले का शेयर फॉर फ्यूचर का कितना अमाउंट था, देखिए यहाँ पर हमने शेयर फॉर फीट किया था ना, तो 800 वाले का शेयर फ्यूचर का अमाउंट था 1900 रुपए, ठीक है। हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर कि जीवन के लिए शेयर फॉर फ्यूचर जो क्रेडिट वाला था दैट वाज 1900 रुपए। अब मुझे जानना है कि डेबिट वाला कितना था, यही जानना है, तो देखते हैं बेटा। हमने यहाँ पर री इशू की जो एंट्री करी है बेटा वो एक साथ करी है दोनों शेयर्स के लिए, वो मुझे अलग अलग चाहिए। तो यहाँ पर शेयर्स जो इशू हुए थे वो 8 रुपए पर हुए थे, है ना। देखिए यहाँ पर जो 8 रुपए पर शेयर इशू हुए, तो यानी 2 रुपए का बेसिकली शेयर फॉर फ्यूचर से मैंने अमाउंट उठाया होगा, तो 800 × 2 1600 हमने यूज कर लिए। तो जीवन के कैपिटल रिजर्व में कितना जाना है, 300। मैंने यहाँ पर जीवन का कैलकुलेशन कर लिया। अब बात आती है बेटा गणेश की कैलकुलेशन, उसके लिए प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, हाँ। तो बेटा जीवन का शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना था, ये रहा जीवन का शेयर फॉर फ्यूचर जो हमने सेकेंड टाइम में किया था उसका अमाउंट था 12000 रुपए, ठीक है। 12000 को हमें प्रोपोर्शनेट करना है, ये 12000 रुपए 2400 के लिए थे, तो बताइए 700 के लिए कितना था, तो 20 ये आने चाहिए, ₹3500, ठीक है। अब देखिए इसमें से मैंने यूज कितना किया बेटा, 700 × 2, है ना, क्योंकि सिक्योरिटी जो डिस्काउंट दिया था वो 2 रुपए का ही था, 700 × 2, राइट। ये मेरा शेयर फोर फीचर का डेबिट अमाउंट है 1400, तो ये कितना आ गया बेटा, 2100, ठीक है। तो वहां से 1400 रुपए यूज हुए, तो अब इन दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन कर देना है। तो यानी मेरी कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, हमारी कैपिटल रिजर्व की शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कैपिटल रिजर्व हाउ मच अमाउंट, 2100, 2100, ठीक है जी। ये मेरी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको लग रहा होगा इतना सब करना है, बट बच्चा बहुत इजी है, ठीक है। जिसके पूरे हैं उसके टोटल से माइनस कर दिया, पूरे पूरे में से माइनस कर दिया, और जो उसके पूरे नहीं है, 2400 क्यों लिया दी, 2400 कहाँ है बेटा, कैसी बातें कर रहे हो छवि, 2400 बेटा 2700 अप्लाइड थे, 2700 वाज अप्लाइड, 2400 अलॉटेड निकालने होंगे उसके लिए। करते हैं बेटा जस्ट बनाकर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा दूंगी, तो आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या कहता है जस्ट में, 50,000 शेयर्स इनवाइट किए थे जी, ओके, 50,000, 10 का एक था, 4 का प्रीमियम, पैसा आना था 4, 6 और बैलेंस, तो ये 12, ये 14 हो गया ना, तो 4, इसके अंदर 2 + 2, 4 + 2, ठीक है। आगे आता है 60,000 हमें रिसीव हुए, ऑल अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, एक्सेस मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक राम बंदा था टू हूम
500 शेवर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक श्याम बंदा था जिसका 1000 शेयर्स थे, उसने हमें कॉल मनी नहीं दिया, यानी फर्स्ट कॉल नहीं दिया। दी शेयर वर फोरफीटेड, उसके बाद हमने उसको फोरफीट कर लिया। री इशू करे 8 रुपए, फुली पेड अप, हमें नई एंट्री सारी की सारी करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले टेबल बनेगा। कैटेगरी अप्लाइड अलॉटेड रिसीव्ड शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और बैंक। सबसे पहला 60,000 वालों को हमने कितना दे दिया बेटा, 50,000 शेयर्स। पैसे आने थे 4,4,6,4। ठीक है, तो 240,000, 240,000 डैश डैश, कुछ नहीं आएगा जी, बिल्कुल। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हाउ मच अमाउंट, 240,000। सेकेंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट, कितना अमाउंट आएगा, 240,000। अब 2,00,000 में से भी आपको आधा आधा करना है ना। ठीक है जी, तो ये आ गया 1,00,000 फर्स्ट फॉर शेयर कैपिटल, 1,00,000 सिक्योरिटी प्रीमियम और 40,000 हमारा शेयर अलॉटमेंट पर। थर्ड शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना आया बेटा, 50 × 6, 3,00,000, 2,00,000, 1,00,000। फोर्थ एंट्री कॉलन अरियर की बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में ऑलरेडी कितना आ चुका है, तो बेटा यहाँ पर 3 में से 40 आ चुका है, तो 2,60,000। ठीक है, कॉलन अरियर निकाल लेते हैं बेटा, ये 40,000 इज फॉर 50,000 शेयर, तो हाउ मच फॉर, क्योंकि अलॉटमेंट पर 500। ठीक है जी, तो दिस इज 400। आइए देखते हैं मंगवाया कितना था, 500 × 6 या 3,000, कितना नहीं आया, 400, तो 2,600 आ गया, बिल्कुल। चेक कर लेते हैं, 4+2 है तो 2,000 और 1,000, तो यहाँ पर 400 यहीं पर आ गया ना, तो बस ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, तो 2,600 इज माय कॉलन अरियर। इसके बाद फोरफीचर नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, यहाँ फोरफीचर नहीं हुआ। हमने इसके बाद करा शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। एक बार देख लेते हैं क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है, नहीं, क्योंकि वो पहले ही खत्म हो चुका है, तो अमाउंट वुड बी 50 × 4, 2,00,000। ठीक है, यहाँ पर भी कॉलन अरियर है कौन, बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 2,00,000। अब ध्यान रखिएगा कॉलन अरियर अलग अलग रखना है, 500 का अलग और 1,000 का अलग, तो 500 × 4, 2,000 प्लस 1,000 × 4, 4,000, तो 6,000 मेरा टोटल कॉलन अरियर आ गया, तो ये 194 हमारा बैंक में आ गया। ठीक है जी, उसके बाद आता है सेवेंथ एंट्री शेयर फॉरफीचर की, तो शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉलन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, बस यहाँ पर बाइफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक,
तो 500 हजार शेयर्स है ना, तो 500 इंटू में 10, 5000 प्लस 10000, 15000 टोटल आ गया, जिसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ किसका नहीं मिला, 500 इंटू में 2, बाकी सारा सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका है, तो 1000 सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला। और ये भी किसका है बेटा, ए का, जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, कॉलम अरियर आ जाते हैं कितना कितना। तो सबसे पहले पहले वाले का, जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, 2600 प्लस 2000, तो 4600 प्लस 4000। ठीक है जी, तो ये आ गया 8600। तो 16000 माइनस 8600 यानी 7400, ये आ गया हमारा शेयर फॉरफीचर की एंट्री। अब बात आती है एथ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने शेयर इशू हुए। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कितने हुए, द फॉरफिटेड, सारे के सारे री इशू हो गए। बहुत अच्छी बात है, ये तो फिर बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, ऑल री इशू। ठीक है, तो कितने थे हमारे पास, 1000 प्लस 500, तो 15000 यहाँ आ गया, 8 रुपये पे किया तो 12000 यहाँ और 3000 यहाँ। लास्ट एंट्री आई शेयर फॉरफीचर, ओ कैपिटल रिजर्व की, बहुत इजी एंट्री है इस क्वेश्चन की, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए क्रेडिट में कितना है, क्रेडिट में टोटल, क्योंकि टोटल शेयर से रीइशू हो गए तो हमें प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है, तो शेयर फॉरफीचर हमारा 7400 है क्रेडिट वाला, उसमें से यूज कितना कर लिया, 3000, तो 4500 हमारा आ गया अमाउंट फॉर कैपिटल रिजर्व, डायरेक्ट कर दिया, कोई प्रोपोर्शनेट नहीं करना। चलिए जल्दी से चेक कर लीजिए अपना क्वेश्चन, कहीं पे डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए।